हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका संगीत शिक्षा इन हिंदी में मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नए लेसन में, नए ट्यूटोरियल में राग के राग भैरव, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राग भैरव, जो अपने ही थाट से जनित राग है, इसीलिए इसको आशा राग भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो आज मैं इसको पहले पार्ट में इसका पूर्ण विवरण आरोह अवरोह और पकड़ के साथ बताऊंगा, और क्या विशेषताएं हैं राग भैरव की ये बताऊंगा। तो राग भैरव की शुरुआत करते समय मैं आपसे बताता हूं, ये हमारा दूसरा अध्याय है राग का, जिसमें हमने राग भैरव को चुना है आज। ये भी संपूर्ण जाति का राग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सबसे पहले संपूर्ण जाति का राग बताऊंगा, और जो अपने ही थाट से जनित राग है 10 राग जो पहले मेन 10 थाट के अकॉर्डिंग। तो चलिए राग भैरव इसका पूर्ण परिचय, सबसे पहले इसके थाट के बारे में बात करते हैं। तो इसका थाट है भैरव, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने ही थाट से जनित है, इसीलिए इसको आश्रय राग भी कहते हैं। ये नोट करने वाली बात है, ये राग आश्रय राग कहलाती है। इसकी जाति संपूर्ण है, यानी कि आरोह में भी 7 और अवरोह में भी 7 स्वर प्रयोग होते हैं, वादी और बिल्कुल सीधे प्रयोग होते हैं, कहीं भी चेंज नहीं है, घुमाव नहीं है कहीं भी। अवरोह में बस गा वक्र लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा। वादी इसका है कोमल धा और संवादी है कोमल रे। जैसे मैंने आपको वादी संवादी के बारे में बताया था राग की जातियों में, और राग के सेकंड पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, वादी संवादी हमेशा, अगर वादी कोमल है तो संवादी भी कोमल होगा, अगर वादी शुद्ध है तो संवादी भी शुद्ध होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो अपवाद होता है, ये मतलब कि उल्लंघन राग का। पर हाँ, कुछ रागों में है जिसको आगे लिखा भी गया कि अपवाद है, जैसे कि राग श्री में ऐसा हुआ कोमल रे और शुद्ध पाए। इसीलिए तो मैं आपको बता दूं कि ये एक कॉमेज, तभी तीव्र माँ वादी नहीं होता, तीव्र माँ का कोई जोड़ीदार नहीं है, कहने मतलब ये कि अपने जोड़ी से जोड़ी मिलता है, कोमल धा तो कोमल रे या कोमल गा तो कोमल नी, ऐसे होता है। गायन समय इसका है प्रातःकाल 4 से 7 के बीच में, जैसे भैरवी का था 4। तो इसका गायन समय मैंने बताया आपको प्रातःकाल समय 4 से 7 सुबह। न्यास के स्वर इसके हैं सा रे पा और धा। न्यास से आपको मैंने न्यास के बारे में बताया था राग 2 में, आप एक एक वीडियो अगर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो आपको क्लियर नहीं हो सकता कि ये क्या है न्यास के स्वर, जिस पे हम न्यास करते हैं, ठहराव करते हैं स्वरों को गाते समय, राग विस्तार करते समय। मैं आपको राग विस्तार का वीडियो बताऊंगा, मैंने वैसे भी वीडियो बहुत डाले हैं राग विस्तार के ऊपर भी। आरोह, अब इसके आरोह के बारे में बात करते हैं। आरोह है सा रे गा मा पा धा नी सा। अवरोह सा नी धा पा मा गा रे और सा। अब चलिए इसकी पकड़ के बारे में बात करते हैं। पकड़ में फिर से आपको बता दूं, पकड़ वह स्वर का छोटा छोटा समुदाय, जैसे किसी राग का बोध होता है तो राग भैरव का बोध इन स्वरों से होता है। देखिए गा मा धा, इसके आगे मैंने ऐसे इसीलिए लगाया है क्योंकि इसको धा को आंदोलित करते हैं। याद रखिए कि राग भैरव में रे और धा ही विशेष स्वर हैं, इनके बिना राग भैरव का बोध नहीं होता, और ये रे और धा आंदोलित होते हैं, यह आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन वाली बात है, नोट करने वाली बात है। रे और धा आंदोलित किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। गामा धा, फिर गामा रे सा, रे भी आंदोलित होगा। तो ये हुई इसकी पकड़, यहाँ कौमा है गामा रेसा। अब इसकी संप्रकृति राग है कालिंगणा और रामकली, जो भैरव थाट से जनित है। संप्रकृति राग निकटवर्ती राग, न्यास के स्वर मैंने आपको बता दिए। विशेषकर इसमें सबसे अच्छी जाने वाली बात यह है कि रे और धा आंदोलित किया जाता है, जैसे गामा रे सा गामा रे सा गामा धा धा पदम पगम रे सा, इस तरह से। तो ये आरोह अवरोह उसका हुआ और पकड़। इसके बाद इसमें रेधा आंदोलित होता है, ये अपने थाट की आश्रय राग है, और संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश राग जो इस प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है, संधि प्रकाश राग वो होती है जो मॉर्निंग में गाई जाती है,
और 4 से 7 के बीच में, और इवनिंग में 4 से 7 के बीच में। इवनिंग वाली में सायंकाल संधि प्रकाश लगा देते हैं और प्रातःकाल में प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग। तो ये प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है, जैसे सिमिलर टू भैरवी। उसके बाद इसका इसमें गामा रेसा जब ये बोलते हैं तो इसमें गा वक्र यूज होता है, यानी घूम के आता है। गामा रेसा, मागा रेसा की तरह नहीं आता, गामा रेसा इस तरह से लगता है, टेढ़ा लगता है। तो ये इसकी विशेषकर जानकारियां हैं। तो थाट भैरव, जाति संपूर्ण संपूर्ण, वादी धा संवादी रे, गायन समय प्रातःकाल 7 4 से 7, न्यास के सुर सारे पाधा, निकटवर्ती राग रामकली और कालिंगणा, आहरो सारे गामा पाधा नीसा, अवरो सानी धापा मागा रेसा, पकड़ गामा धा और गामा रेसा, रेधा आंदोलित करते हैं। ये विशेषण जानने वाली बात है। ये आश्रय राग है और संधि प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। धन्यवाद, शुक्रिया। और देखने के लिए, आगे देखने के लिए इसका सेकंड पार्ट देखें, स्वरलिपि, इसकी बंदिश की। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं उसके बाद जो आप कहते हैं कि ये दीजिए या ये डालिए, अच्छी बात है, पर आप थोड़ा वेट भी कीजिए, आगे वीडियोस का तुरंत आएगा, क्योंकि मुझे ही पता है कि क्या चीज़ ज़रूरत है क्या नहीं। इतना मैं जितना आपको बता रहा हूँ प्रॉपर एक एक वे में, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ इसमें बची होगी। अगर बची तो आप मुझे बताएं, मैं सर्च करूँगा, मैं पढ़ूँगा और बताऊँगा। मेनली तो इतना ही होता है, वो भी लोग नहीं बताते हैं, न्यास के स्वर कोई नहीं बताता है। और इसके जो गाने का चलन है, गाने का चलन बिल्कुल यही है राग भैरव का। तो मैं आपको गाने का चलन बताऊंगा, पर थर्ड पार्ट में, अब पार्ट वाइज पार्ट होगा, क्योंकि एक बार में सब कुछ बताने से क्लियर नहीं हो पाती है बात और रह भी जाती है। तो मैंने एक एक फॉर्मेट बनाया है, प्रिपेयर किया है, कि पहले पहला ट्यूटोरियल जो होगा वो थ्योरेटिकल होगा, सेकंड स्वरलिपि का होगा, जो नोटेशन आप लोग मांग रहे थे, नोटेशन को बजाएं, मैंने तरीका ही बताया है, अब बजाना आपको है, अब बजाने तो मैं आऊँगा नहीं, दूसरी चीज़। और तीसरा पार्ट, ये राग भैरव का पूरा गायन का एपिसोड होगा, थर्ड पार्ट, थर्ड। और ये आपको मैंने बता दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, एंड इफ देयर एनी देयर कमेंट, सो प्लीज कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, आई होप यू विल लाइक इट।